मां का दिल या शैतानी आत्मा? 3 साल तक लाशों के साथ क्या क्या हुआ? हिलाकर रख देगी कत्ल के पीछे की ये कहानी। दुश्मन को भी ना मिले ऐसी माँ। बैग में मिली लड़की और लड़के की लाश, पहले बेटा उसके 9 महीने बाद बेटी की कर दी हत्या। देखिए माँ की ममता और एक महिला के डरावने रूप की कहानी। माँ, ये वो शख्स है जो दुनिया के हर एक बच्चे को हर बुरी बला से दूर रखती है। अगर किसी बच्चे से छोटी सी गलती भी हो जाए या फिर बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ उस पर एक आंच नहीं आने देती, एक खरोच नहीं आने देती। उस बच्चे की हर गलती को माफ करती है, ना सिर्फ माफ करती है बल्कि अपने सर ले लेती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो इस बात से बिल्कुल परे है, और उस खबर को देखने के बाद आप तन मन से पूरी तरह से विचलित हो जाएंगे। बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये बड़ी खबर। ये एक महिला की जिंदगी से जुड़ी कहानी है जो बेहद क्रूर और त्रासद घटना से जुड़ी है। ये माँ की ममता और एक महिला के डरावने रूप को दिखाती है। दरअसल ये वाकया अमेरिका के मिशिगन राज्य के ड्रेटाइट शहर का है। यहाँ मिशेल ब्लेयर नाम की महिला ने अपने ही 2 बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर डाला। हत्या की घटना जितनी क्रूर थी उतनी ही दर्दनाक भी। मिशेल ने अपने 2 बच्चों की लाशों को डीप फ्रीजर में डाल दिया और 3 साल तक उनके साथ एक ही घर में रही। इसके पीछे की वजह बेहद चौंका देने वाली है। मिशेल ब्लेयर के 4 बेटे बेटी थे, इनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। पति से रिलेशन ठीक नहीं था, इसलिए अलग होकर बच्चों के साथ रहने लगी थी। शुरू में मिशेल नौकरी करके खर्च उठाती थी, लेकिन जब नौकरी छूट गई तब आर्थिक संकट आ गया। दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेकर कुछ समय गुजारा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने भी पैसे देना बंद कर दिया। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। बच्चों की स्कूल फीस नहीं जुटा पा रही थी। स्कूल से बच्चों का नाम कटवा लिया और स्कूल वालों से कहा कि वह घर पर पढ़ाएगी, लेकिन यह एक बहाना था। दरअसल वह जानती थी कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा सकती थी। इस बीच उसके मकान का किराया भी कई महीनों तक नहीं चुकाया जा सका। जब मिशेल ने घर खाली नहीं किया तो मकान मालिक की शिकायत पर कोर्ट ने उसे घर खाली करने को नोटिस भेज दी। ऐसे खुला डीप फ्रीज करास। 24 मार्च 2015 को कोर्ट द्वारा भेजी गई टीम मिशेल के घर पहुंची। उस वक्त मिशेल घर पर नहीं थी, इसलिए टीम ने ताला तोड़ दिया और घर का सामान निकालना शुरू किया। इस बीच जब टीम ने लिविंग रूम में डीप फ्रीजर उठाने की कोशिश की तो वह असामान्य रूप से भारी लगा। फ्रीजर खोला गया तो अंदर बर्फ की मोटी परत और एक पॉलिथीन बैग मिला। जब बैग खोला गया तो उसे देख टीम सन्न रह गई। बैग में मिली लड़की और लड़के की लाश। बैग में एक लड़की की लाश थी। इसके बाद फ्रीजर में और तलाशी ली गई तो एक लड़के की भी लाश मिली। इसके बाद तुरंत पुलिस बुलाई गई और जांच शुरू हुई। जब मिशेल को गिरफ्तार किया गया तो वह अपने बाकी 2 बच्चों के साथ थी। पुलिस ने उससे लाशों के बारे में पूछा, लेकिन वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। पूछताछ के दौरान उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। अगस्त 2012 का वो दिन, मिशेल ने बताया कि साल 2012 के अगस्त महीने में एक दिन जब वह घर पर लौटी तो उसने अपने सबसे छोटे बेटे को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। मिशेल ने जब बेटे से पूछा कि उसने ये गलत काम किससे सीखा तो उसने बताया कि उसका बड़ा भाई उसके साथ भी ऐसा करता है। ये सुनते ही मिशेल का गुस्सा भड़क उठा। प्राइवेट पार्ट पर डाला हौलता पानी। वह सीधे स्टीफन के पास गई और इस हरकत के बारे में पूछा। इस पर बड़े बेटे ने सब कुछ कबूल कर लिया। मिशेल ने आवेग में आकर बड़े बेटे की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। उसे कई दिनों तक मार मार कर प्रताड़ित किया। प्लास्टिक बैग से उसका चेहरा कवर कर दिया।
हौलता पानी उसके प्राइवेट पार्ट पर डाला और अंत में बेल्ट से उसका गला घोट दिया। 30 अगस्त 2012 को उसकी मौत हो गई। पहले बेटा और उसके बाद बेटी। मिशेल ने बड़े बेटे के शव को छुपाने के लिए उसे डीप फ्रीजर में डाल दिया। अपने बाकी बच्चों को धमकाकर किसी को भी कुछ नहीं बताने को कहा। स्टीफन ने हत्या के 9 महीने बाद मई 2013 में मिशेल ने अपनी बेटी पर भी मैथ्यू के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। उसने बेटी के साथ भी वही बर्बरता की जो बेटे के साथ की थी। उसे भूखा रखा, मारा पीटा और आखिर में उसे भी मार डाला। उस वक्त बेटी की उम्र केवल 13 साल थी। अपने किए का कोई पछतावा नहीं। मिशेल ने बेटी के शव को भी डीप फ्रीजर में डाल दिया। इसके बाद वह अपने दोनों बच्चों की लाशों के साथ उसी घर में रहती रही। ये सिलसिला 3 साल तक चला। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मिशेल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखा। उसने कहा कि उसे अपने बच्चों को मारने पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया वह उसके लिए माफी योग्य नहीं था। बिना पैरोल उम्र कैद की सजा। मिशेल का कहना था कि उसके बच्चों ने छोटे भाई के साथ गलत हरकत की थी, इसलिए उसने उन्हें सजा दी। हालांकि जांच में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले जो इस आरोप की पुष्टि करते हो। साल 2015 में कोर्ट ने मिशेल ब्लेयर को अपने दोनों बच्चों की हत्या का दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि उसे कभी पैरोल नहीं मिलेगी। तो देखा आपने, इस घटना ने मां के ऐसे रूप को उजागर किया, या यूं कहें कि मां के ऐसे भयावह रूप को उजागर किया जो ना कभी आपने देखा होगा और ना ही कभी आपने सुना होगा। एक कहावत है कि पूत कपूत हो सकते हैं पर माता कुमाता कभी नहीं हो सकती, लेकिन इस घटना ने माता को ही कुमाता बना दिया। आखिर ये कैसे संभव है कि एक माँ जो 9 महीने अपने कोख में एक बच्चे को रखती है, बहुत ही तकलीफों से उसे जन्म देती है, उसे इस दुनिया में लाती है, और कैसे वो 9 महीने की पीड़ा के बाद वो उसी बच्चे को इतनी बर्बरता से मार देती है कि कोर्ट हो या पुलिस प्रशासन हो, सब सन्न रह जाते हैं। ये खबर आज सभी उन सभी लोगों के लिए एक नजीर है जो ऐसी भयावता को देख रहे हैं या फिर ऐसी भयावता को करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल। कहते हैं ना कि आपके कर्मों का फल जरूर आपको मिलेगा। चाहे आप कितना भी बुरा काम करें, लेकिन वो कर्म आपके पीछे दौड़कर जरूर आएंगे। तो ऐसी भयावता वाली घटना से हमें सिर्फ एक यही सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। कोई भी घटनाक्रम हो, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, कानून का सहारा लीजिए, कानूनन रूप से उस चीज को ठीक करिए। और खासकर माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि अगर उनका बच्चा किसी गलत दिशा में जा रहा है तो वो अपने बच्चे को प्यार से समझाएं। सिर्फ माता पिता नहीं, बल्कि उससे पहले उसका दोस्त बने, उसका मित्र बने, और मित्र बनकर उसे समझाएं और उसकी मन की पीड़ा को भी समझें। ना कि अमेरिका की इस मिशेल ब्लेयर की तरह किसी भयावह घटना को अंजाम दे। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।